दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ में पीरियड में ससुर जी के लिए साई नहीं बनाऊंगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। श्रुति बेटा शाम हो आई, अभी तक सोई हो क्या? माधवी जी ने अपनी नव विवाहित बहू के कमरे के बाहर से आवाज लगाई। नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही लेटी थी। श्रुति फटाफट दरवाजा खोलते हुए बोली, वो क्या है ना बेटा, तुम्हारे पापा जी को तो जब से तुम आई हो मेरे हाथ की साई ना सुहाती है। अभी मुझसे साई को बोले तो मैंने कहा बहु शायद सो रही है, तो बोले देखो तुम इस वक्त तक तो जाग ही जाती है। वो माधवी जी हंसते हुए बोली, पर मम्मी जी मैं साई नहीं बना पाऊंगी, आज आप पापा जी को बोल दीजिए। श्रुति अभी सो रही है। श्रुति नजर सुराते हुए बोली, बेटा तबीयत तो ठीक है, तुम्हारी चेहरा भी थोड़ा कुमलाया हुआ है, बताओ तो क्या बात है? माधवी जी कमरे में आती हुई बोली, वह मम्मी जी मुझे ना मुझे पीरियड आ गए। श्रुति निगाह नीचे किए हुए बोली, अच्छा तो ये बात है, इसलिए मेरी बहू का प्यारा सा चेहरा कुमलाया है। अच्छा तुम ऐसा करो, बस साई बना दो अपने पापा जी के, उन्हें मेरे हाथ की साई बहाने की ही नहीं है, उसके बाद आराम करना, खाना मैं बना लूंगी। ठीक है माधवी जी प्यार से बोली, पर मम्मी जी मैं रसोई में कैसे जा सकती हूँ? ऐसे में श्रुति आरसी से बोली, क्यों तुम रसोई में क्यों नहीं जा सकती, कुछ परेशानी है क्या? आओ मेरे साथ। माधवी जी उसकी बात को समझकर भी अनजान बनते हुए मुस्कुराकर बोली और उसका हाथ पकड़कर रसोई में ले आई। मम्मी जी ऐसे में रसोई में नहीं जाते हैं ना, हम गंदे जो होते हैं। श्रुति रसोई के दरवाजे पर रुकते हुए बोली, ज़्यादा बहाने मत बनाओ, जाओ सूप साफ साई बनाओ। माधवी जी थोड़ा गुस्से में बोली तो श्रुति फटाफट रसोई में आ साई का पानी सड़ाने लगी। देखो तो रसोई तो गंदी नहीं हुई, तुम कैसे बोल रही थी हम गंदे होते? माधवी जी श्रुति को डरा हुआ देख जोर से हंस दी, क्या मम्मी जी आपने तो मुझे डरा दिया था, गंदी से मतलब ये थोड़ी था। वो दादी और मम्मी कहती हैं कि पीरियड्स में हम गंदे हो जाते, इसलिए रसोई में नहीं आते, बाहर के काम कर लेते बस, जैसे सब भाई कपड़े। श्रुति बोली, बेटा बाहर के काम तो ऐसे में भारी पड़ते, जबकि रसोई के हल्के फुल्के काम आसानी से हो जाते हैं, और पीरियड से होना तो मातृत्व की निशानी है, फिर भी इसे अशुभ क्यों माना जाता है, ये मेरी समझ से बाहर है। माधवी जी बोली, यही मैं मम्मी जी को बोलती थी अपनी परवा, बोलती थी खुश सोच कर बड़े बूढ़ों ने नियम बनाए होंगे, ससुराल में भी इन नियमों का पालन करना, वरना सास गुस्सा हो जाएगी। श्रुति बोली, बेटा यहाँ भी तुम्हारी दादी सास के यही नियम थे, पर मैंने मोहित श्रुति का पति के जन्म पर ही सोच दिया था, कल को मेरी बहू आएगी तो सब नियम बदल लूंगी, क्योंकि जब मुझे पीरियड होते थे तब तो बाल के करना भारी पड़ता था, साथ ही अशुद्धों की तरह रसोई से बाहर रहना तो शर्म देंगी पैदा करता था, क्योंकि ऐसे में घर वालों को तो क्या, घर आए मोहल्ले वालों को भी पता लग जाता था बहू के पीरियड आए, और वो ठिठोरा पीट देते थे कि फलाने की बहू खुश कोई खुश खबरी नहीं सुना रही, क्योंकि उसके तो पीरियड आए हैं। माधवी जी हंसते हुए बोली, उनकी बात सुन इतनी देर से डरी हुई श्रुति जोर से खिलखिला दी, मम्मी जी ऐसे मैं तो स्थिति और हास्य पद हो जाती होगी ना। श्रुति हंसते हुए बोली, और नहीं तो क्या, मोले में निकलो तो भी बाहर खड़ी औरतों की निगाह हम पर होती थी, फिर तो हर महीने उन दिनों कोई ना कोई मोले वाली घर आ जाती थी, ये मालूम करने की बहु पेट से ही यहाँ पीरियड हो गए उसे। माधवी जी बोली, ओ
माय गॉड, ऐसा भी होता है? श्रुति आंखें सौड़ी कर बोली, ऐसा ही होता है बेटा, अब तुम सोच लो, अगर तुम्हें वही नियम मानने हैं तो। माधवी जी हंसते हुए बहू की तरफ देख बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, जब मुझे इतनी अच्छी और समझदार सास मिली है तो मैं क्यों मोहल्ले में ठिठोरा पीटू की मुझे पीरियड हुए हैं। मैं तो अपनी मम्मी को भी समझाऊंगी कि मेरी सास जैसी समझदार बनो और बहू आने से पहले ये नियम बदल दो। श्रुति कान पकड़ते हुए बोली और दोनों सास बहू हंस दी और साई ले बैठक में आ गई। दोस्तों, पीरियड को लेकर पहले के लोगों ने जो नियम बनाए थे वो आज की व्यवस्था दिनचर्या में वैसे भी नहीं निभ सकते। वैसे भी एक औरत का पीरियड से होना मातृत्व के लिए बहुत जरूरी है, फिर वह गंदे क्यों माने जाए।